गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को CIA खरड़ में जरूरत से ज्यादा समय के लिए रोका गया था, क्या इसी दौरान बना था लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में हनुमान जी का टैटू? नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र राणा आज आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर से रिलेटेड है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को CIA खरड़ में जरूरत से ज्यादा समय के लिए रोका गया था। यह सबमिशन एडवोकेट तनु बेदी द्वारा कोर्ट में की गई। गौरतलब है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी तनु वेदी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि इसी बात की गहराई से जांच की जाए कि लॉरेंस बिश्नोई का बारंबार रिमांड लेने की जरूरत थी या नहीं, और क्या उसे CIA खरड़ में पूछताछ पूरी होने के लिए बावजूद ज़्यादा समय के लिए रोका गया। कोई कोर्ट द्वारा नियुक्त SIT ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी कि लॉरेंस से पहले भाग में इंटरव्यू CIR खरड़ में किया गया था। उस समय इंस्पेक्टर शिव कुमार CIA खरड़ के इंचार्ज थे, जो कि मौजूदा समय में जलंधर रूरल में पोस्टपोन है। सूत्रों की माने तो उसके जलंधर रूरल के CIA का इंचार्ज बना जाने को लेकर भी चर्चा छिड़ी थी, लेकिन बाद में कुछ कारण से चलते पोस्ट नहीं दी गई। इसके अलावा लॉरेंस के इंटरव्यू के दौरान पोस्टेड कई सीनियर अफसरों की PAP में भेज दिया गया। सूत्रों की माने तो खरड़ CIA में रिमांड के दौरान लॉरेंस बिश्नोई अपने हाथ में भगवान हनुमान का टैटू बनवाया था। यह टैटू किस की इजाज़त से बना था आज तक खुलासा नहीं हो पाया। पंजाब में रिमांड के दौरान बिश्नोई ने जताई थी एनकाउंटर की आशंका। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में रिमांड के लिए पंजाब लाया गया था, तो उस समय लॉरेंस ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में यह अर्जी दी थी कि उसे खतरा है कि पंजाब में रिमांड के दौरान उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। उसके बाद कोर्ट ने निर्देश दे दिए कि हमें लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में हथकड़ी बांध कर रखी गई जाए, और जब उसे पंजाब के लिए दूसरे जिले से लाया तो उसे पूरी वीडियोग्राफी की जाए। गौरतलब है कि पंजाब के कई जिलों में इस दौरान लॉरेंस को रिमांड के लिए ले जाया गया था, लेकिन हर जिले में रिमांड खत्म होने के बाद लॉरेंस की CIA खरड़ में लाया जाता था। जारी है लॉरेंस का रंगदारी रैकेट। बता दें कि मौजूदा समय लॉरेंस का रंगदारी रॉकेट देश में लेकर विदेश तक फैला हुआ है। इस सारे रैकेट को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गौरादा संभालते हैं। हाल ही में एक कॉल सेंटर मालिक से लॉरेंस द्वारा 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग गई थी। रंगदारी मांगे जाने पर वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस की कई पुरानी फोटो मौजूद हैं, जिससे साफ देखा जा सकता है कि लॉरेंस के हाथ में हनुमान जी का टैटू नहीं था। लेकिन पंजाब में रिमांड पर आने के बाद पेशगी के दौरान हुई वायरल फुटेज में उसके हाथ पर टैटू दिखा है। तो दोस्तों, ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।